निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभावल का यूट्यूब चैनल। अभी अभी जो आपने लय देखी है उसमें जो मैंने अलंकार जिस लय में बजाया वो कौन सी लय है और उससे पहले की क्या लय होती है और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसका थंबनेल आप साइड में देख सकते होंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने 4/3 की लय को समझाया था। अभी जब मैंने जो अलंकार बजाया, आप टेम्पो देख सकते थे, 40 BPM पर तीन ताल चल रही थी, उसमें मैंने पहला अलंकार बजाया और वो लय थी 8/3 की, यानी तीन मात्रा में आपके 8 बोल आ रहे थे, यानी तीन मात्रा में सारेगामापधनिसा कंप्लीट हो रहा था। तो वो किस लहजे में गया और उसका क्या छंद था, वो क्या लय थी, वो हमें समझना होगा आज। तो हम शुरुआत इसी से करेंगे कि सबसे पहले 4/3 को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। 4/3 जो है वो, सबसे पहले तो ये बताऊं कि चौगुन की फैमिली की है ना। अभी उसका आपको सामने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा कि कैसे वो होती है। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कैसे तीन मात्रा में 4 बोल आपके आ रहे हैं, तो उसमें लय कैसी चौगुनी की जा रही है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कोई भी हम फ्रैक्शन की लय अगर निकालते हैं तो उसमें जो ऊपर का जो है न्यूमरेटर है, जो ऊपर का नंबर होता है उतना गुना उसमें होता है, एंड जो नीचे का जो नंबर है उसमें से एक अगर माइनस कर दो और उतने गैप अगर आप डालो, और तो लय आपको पता चल गई, गैप आपको पता चल गया, तो पेयरिंग करके आप निकालोगे तो वो प्रैक्टिकली आपके सामने आ जाएगी लय। ठीक है, तो अब तीन लय मैं आपको बताऊंगा, 2/3, 4/3 एंड 8/3। 2/3 का दुगना ही 4/3 है और 4/3 का ही दुगना 8/3 है। ठीक है, तो अगर हम 2/3 यानी तीन मात्रा में 2 बोल, 4/3 यानी तीन मात्रा में 4 बोल, 8/3 यानी तीन मात्रा में 8 बोल, तो आप देख सकते हैं डबल डबल होता जा रहा है। तो हमें ये कैसे करना है प्रैक्टिकली और ये कहां काम आती है वो आपको अभी समझना होगा। मैंने कुछ समय पहले एक और वीडियो दिया था, वो भी आप देखें, जिसका भी थंबनेल साइड में नजर आ रहा होगा, उसका भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि पौन गुना, डेढ़ गुना और तीन गुना क्या होता है। उसी से रिलेटेड है ना, लय दोनों अलग अलग है, पौन गुना, डेढ़ गुना और तीन गुना जो है वो तीन की फैमिली की है, यानी जो तिस्त्र जाति का छंद है उसमें तीन तीन का छंद जाता है, भले ही वो पौन गुना हो, डेढ़ गुना हो या तीन गुना हो। और यहां जो है 4/4 का छंद है, लेकिन जो गैपिंग है वो ऐसी है, होती है कि हमें वो तीन का सुनाई देता है, हमें लगता है कि वो तिगुना है क्योंकि उसमें दो दो गैप आ रहे ना साथ में और एक वो गिनती भी है, तो हमको लगता है कि तीन तीन है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बोल, एक शब्द भले ही तीन मात्राओं तक जा रहा हो, है ना, 1, 2, 3, अब वो मात्रा की जो इकाई है वो आधी में भी बंध सकती है, 1/4 में भी बंध सकती है ना, उसकी इकाई कितनी भी हो सकती है, वो पूरी एक मात्रा भी हो सकती है। अब मैं आपको 1, 2, 3, 4, अभी ये मैंने क्या किया, 12 मात्रा में मैंने 4 बोल बोले, है ना। तो ये अगर कम कर दूं, अभी इसी को मैं दुगना कर दूं, अब मैं 6 में अगर 4 बोलना चाहूं, सिंपल सी चीज यही है, 1, 2, 3, 4, अब मेरे को इसका दुगना करना है, तो अभी डबल करेंगे तो 1, 2, ये मैंने हाथ की लय आधी कर दी है आपको समझाने के लिए कि मुंह से उसी लय को मैं बना रहा हूं, 1, 2, 3, 4, बात वही है, 1, इसी चीज को बोलना है। और इसी चीज को आप अगर और डबल कर दो तो 1, 2, 3, 4, 1, तो ये आपके 3 में 4 आ गए, है ना। अब मैं आपको इसी लय से धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए, मुंह से बढ़ाते हुए बताता हूं। ये तो हमने हाथ से उसको प्रैक्टिकली देख लिया कि हाथ की लय आदि करके कि आपको बोलना क्या है एक्चुअली में। ये जो लय है ये बात वही है, सा रे ग म, लेकिन इसकी पेयरिंग दोगुने की कर दो तो सा रे ग म, तो ये आपकी बन जाती है 2/3, और जब इसकी पेयरिंग 4/4 की कर दो तो ये बन जाती है 4/3, 1, 2, 3, 4, 1, है ना। और इसी की पेयरिंग 8/8 की कर दो तो ये 8/3 बन जाती है, जो कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ये ऐसी होती है ना। रिटर्न में भी आ ही रहा है आपके सामने इसको कैसे बोलना है प्रैक्टिकली, अगर आपने एक बार लिख लिया है इसे तो आप उस छंद को समझ पाएंगे और उसी को हमें अलंकार में भी ढालना है। अब ये लय सीखनी क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये मैंने पौन गुने और डेढ़ गुने तीन गुने का भी एग्जांपल क्यों दिया आपके सामने, क्योंकि ये जो दोनों जो लय हैं ये सुनने में काफी सिमिलर लगती हैं लेकिन अलग अलग हैं।
सिमिलर क्यों लगती हैं? क्योंकि मैंने आपको यहां बताया वहां तीन गुने की लय है और यहां तीन की बांट है ना, दोनों में फर्क है। ये हमेशा ध्यान रखो कि जो उसकी तीन गुने की लय यानी वो एक दो तीन एक दो तीन एक दो ऐसा जा रहा है, लेकिन यहां पे तीन तीन के विभाग कर दिए हैं, मतलब उसकी जो डिवीजन किया है वो तीन का किया है, यानी एक डैश डैश दो डैश डैश, लेकिन पेयरिंग उसकी कौन सी करी है, पेयरिंग से लय बनती है ना, तो हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का अभ्यास आपको करना जरूरी है ताकि इन दोनों की जो पैरेलल जाती है जो साउंड है ना, पैरेलल साउंड जो नजर आता है उसमें कंफ्यूजन ना हो आपको कि एक्चुअली में कौन सी लय है और अगर बजे है तो वो कैसे बज रही है। इसको गिनती में, तालों में, अलंकारों में अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ आ जाएगा। तो कैसे करना है, पहले तो आप गिनती में समझ लीजिए इसको, एक दो तीन चार एक, है ना, ये मैंने छह में आपको गिन के दिखाया। अब मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब भी हम जितनी भी मात्राओं की जितना भी गुना करते हैं तो गिनते किस में है, जितनी मात्राओं का गुना कर रहे हैं। तो अभी मैं चार का कर रहा हूं, ठीक है, तो चार में गिनूंगा, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार एक, ये तीन आवर्तन में आपका जाके पूरा हुआ है ना, और तीन आवर्तन में आपका दो बार आ गया तो ये दो बटा तीन है, ठीक है। अभी इसी का मैं डबल कर रहा हूं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार एक, तीन ही आवर्तन में हुआ लेकिन चार बार आ गया तो ये चार बटा तीन हो गया। अब इसी का दोगुना हो जाएगा, है ना। अब ये तो मैंने लय तेज लग ली है तो इसका दोगुना तो मैं अभी आपको करके नहीं दिखा सकता, पर लय कम अगर मैं करके बताऊं तो, है ना, जैसे लय में ले लेता हूं, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार एक, है ना। तो ये हो गया आठ बटा तीन, तीन ही आवर्तन में आठ बार वही चीज आ गई, है ना। तो ये आपको समझने की चीज है कि ये लय कार्यां कैसे होती है। अब मैं आपको थोड़ा, अब हो सकता है शायद आप वो पौन गुने डेढ़ गुने वाला वीडियो ना देखें तो मैं आपको एक बार पौन गुना करके दिखा देता हूं तो आपको पता चलेगा वो कैसा साउंड करता है। सिमिलर पौन गुने में क्या है, तीन 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 की लय जा रही है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, पौन गुना यानी तीन बटा चार, यानी चार में तीन बोल आएंगे, है ना, इसमें तीन में चार आ रहे हैं, इसीलिए काफी सिमिलर है, सुनने में भी सिमिलर लगता है ये, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है आपको, चार मात्रा की अगर मैं आपको तिगुन करने को बोलूं तो कैसे करोगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार एक, तो अब इसमें जो दो तीन चार है उसको डैश कर दो, ब्लैंक कर दो और एक एक को लाउड बोलो, एक एक दो एक दो एक, है ना। अब उन उनकी जगह एक दो तीन बोलो तो एक दो तीन एक, तो अंदर क्या जा रहा है, एक डैश डैश डैश, दो डैश डैश डैश, तीन डैश 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 एक, है ना, ये लय है। और एक दो तीन चार एक, तो ये दो बटा तीन है, दो बटा तीन और तीन बटा चार कैसा सिमिलर साउंड कर रहा है ना, क्योंकि थोड़ा 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 ही फर्क है, तो वहां हमें गलत होने से बचना है। अगर हम जो गलत हो रहे थे जिस लय में उस लय को समझ लेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। अभी आपको मैं आठ बटा तीन सुनाता हूं और तिगुना सुनाता हूं वो कितना सिमिलर साउंड करता है, है ना। तो आठ बटा तीन हमारा जा रहा है, ए दो तीन चार, ए दो तीन चार एक, है ना, और तीन गुना जाता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार एक, बहुत ही क्लोज है ये, है ना। सुनने में अगर आप देखो ध्यान से आठ बटा तीन को और तिगुने को पैरेलल सुनो तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है जो आपको महसूस होगा, है ना, लेकिन लय एकदम अलग अलग है। यहाँ पे आठ गुने की लय जा रही है और बीच बीच में जो गैपिंग है वो तीन 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 का पेयर बनते हुए जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तिगुना ही है। तो वो चीज है कि आपको तीन बटा चार और दो बटा तीन में फर्क आना चाहिए, आठ बटा तीन और तिगुने में फर्क आना चाहिए, तो उसके लिए सीखना आवश्यक है। पहले अलंकार को तबले के साथ सुने
तो जो 2/3 की लय आएगी वो ठा से पहले आएगी, फिर ठा आएगी, फिर आपकी 4/3 जाएगी। तो कैसे हो रहा है देखिए, क्यों हो रहा है, क्योंकि पहला अलंकार जो है हमारा सारेगामा पदनिसा 8 बोल होते हैं, तो 8 अगर 8 में आते हैं तो ठा है, लेकिन 8 से कम में आते हैं तो बट ऑफ कोर्स ठा से ज्यादा है, एक गुने से ज्यादा है, लेकिन 8 से ज्यादा में आते हैं तो सीधी सी बात है वो एक गुने से कम है, तभी तो वो बराबर बराबर आ नहीं पाया। तो 2/3 में जाते हैं तो 8 जो है हमारे 12 में कंप्लीट होंगे जाके, है ना, इस लय में, तो वो ठा से कम है। तो कैसे हो रहा है वो, सा। उसके बाद दुगुना आ जाती है ना। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये लय जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब वो कितनी कितनी बार में आ रहा है वो आप जब गिनोगे तो पता चलेगा। अगर इस लय में गिनते हो 1, 2, 3, 4 तो सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा ए। 3 आवर्तन में जाके आपका वो चीज कंप्लीट हो गई। अब इसी की जब दुगुन हो जाएगी सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा सा, तो वो भी चीज कंप्लीट 3 आवर्तन में ही होगी, लेकिन 4 बार हो जाएगी। पूरा अलंकार कितनी बार आता है वो करके देखना है, आपको पता चल जाएगा। तो इन लयों का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो 3 लय आज समझाई हैं, 2/3, 4/3 और 8/3, इनको अच्छे से अभ्यास कीजिए, और उधर पौन गुने में 3/4, 3/2 और 3 गुना इसको अच्छे से समझिए। एक टाइमलाइन होती है लयों की, उसको समझने की आवश्यकता है कि कौन सी लय पहले आ रही है, फिर कौन सी लय आ रही है ना। तो ठाह से पहले भी कुछ लय हैं और बाद में भी कुछ लय आती हैं। जैसे मैंने आपको 2/3 बताया, वो हो जाता है 0.6, तो सबसे पहले 2/3 आया, फिर 3/4 आया, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ पौन गुना, जो कि 3.4 होता है, यानी कि 0.75, तो 0.6, फिर 0.75, फिर ठा आ जाती है एक गुना, एक गुने के बाद सवा गुना, डेढ़ गुना, है ना, ये आते हैं सीक्वेंस में। तो एक गुने के बाद आपका सबसे पहले आता है सवा गुना, यानी 1.25, है ना, जो कि होता है 5/4 जब आप करते हैं, जिसको कुआड़ भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ये जो अभी आपको मैंने बताया 4/3, जो कि होता है 1.3, ठीक है, 1.25 के बाद 1.3 आ गया। उसके बाद आता है आपका डेढ़ गुना, जो कि होता है 3/2, जिसको हम आड़ भी कहते हैं, है ना, तो वो हो गया 1.5। तो 1, 1.25, 1.3, 1.5, फिर आता है आपका ये 2.25 गुना, जो कि 1.75 होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं बेआड़, है ना, और वो 1.75 आ गया, और फिर 2 गुना। तो एक गुने और 2 गुने के बीच में ही आपकी 4 लय हैं, आपकी सबसे पहले सवा गुना, फिर 4/3, फिर 1.5 गुना और फिर 2.25 गुना, ये आपकी उसी के बीच में आ जाती हैं। फिर 2 के बाद जाओ तो 2.5 आता है, है ना, फिर आपका 2.5 आता है, यानी कि 5/2। उसके बाद आ जाता है आपका 8/3, जो अभी अभी आपको मैंने बताया, जो कि होता है 2.6, है ना। फिर आपका 3 गुना आ जाएगा, और 3 के बाद 3.5 गुना आता है, जो कि हम देख चुके हैं 7/2 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं, तो लयों में आप आगे भी बढ़ सकते हैं, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, फिर तो वही है, लेकिन इनके बीच की जो फ्रैक्शंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह देखते रहो संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, और ऐसे ही लय के लेसन्स आपको समझने आवश्यक हैं, तो जो वीडियोज़ देता जा रहा हूँ उनको आप अभ्यास करते रहो, अलंकारों में, लयों में, तालों में, है ना, करते रहिए अभ्यास, और सीखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियो से। एंड डेली वीडियोज़ लाने की मेरी कोशिश रहती है, और नए से नए टॉपिक पर मैं देना चाहता हूँ वीडियो, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है कभी कभार, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमें, संगीत प्रभा वर्ल्ड एंड मास्टर निषाद की आईडी है, एंड फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें, ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब द चैनल।